दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन होता है जी ये जो बैटरी आप देवसोल की दिखा रहे हैं ये बैटरी कौन कौन से इन्वर्टर पे चल सकती है। हमारा 2 बैटरी का इन्वर्टर है क्या उस पर भी चल सकती है, हमारा 1 किलोवाट का इन्वर्टर है क्या उस पर भी चल सकती है, या हमारा 5 किलोवाट का इन्वर्टर है उस पर भी चल सकती है। दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूँ कुछ इन्वर्टर लगे हुए हैं, ये सारे हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं। आप ये देख रहे हैं ये 6 किलोवाट का स्क्रीन टच इन्वर्टर है हाइब्रिड नेक्सस सोलर एनर्जी का। ये देवसोल का नया इन्वर्टर निकाला है, स्पेशल इन्वर्टर 5 किलोवाट का। पहली बार आप मेरी वीडियो में देख रहे होंगे, चाहे इस पे चलानी है। ये इन्वर्टर देख रहे हैं आप 8 किलोवाट का है, ये हाइब्रिड भी है, ऑफ ग्रिड की तरह भी काम कर सकते हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर है। और ये सारे इन्वर्टर पैरेलल होने वाले हैं, डुअल एमपीपीटी में है। तो ये जो बैटरी आप देख रहे हैं ये देवसोल की बैटरी है, 15 साल वारंटी वाली, सबसे छोटे साइज में, सबसे ज्यादा पावर के साथ। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के दिमाग में आता है और बहुत सारे लोग मुझसे बात करते, मेरे भी कहते हैं जी ये कितने किलोवाट की बैटरी है, कितने केवीए की बैटरी है। तो दोस्तों 5 केवीए की बैटरी है, 4800 वाट की ये बैटरी है। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत सारे लोगों के में, 4800 वाट की बैटरी है तो ये 5 किलोवाट या 5 केवीए का लोड कंटिन्यू चलाती रहेगी हमारी पूरी रात। दोस्तों यहां आप गलत हो जाते हो, ये जो बैटरी है इसकी फुल कैपेसिटी 4800 वाट है, यानी कि आप अगर 1 घंटे में 4800 वाट का लोड चला लेंगे तो ये कंप्लीटली डाउन हो जाएगी। अगर आप चलाते हैं 100 वाट का लोड तो 48 घंटे चला देगी, आप चलाते हैं 500 वाट का लोड तो लगभग ये बैटरी आपका 9.25 घंटे उस लोड को चलाएगी, यानी कि 4800 वाट की बैटरी है। अब ये कहां कहां यूज हो सकती है, यूज करने के लिए 48 वोल्ट के जो अप्लायंसेस है, जैसे आप ये इन्वर्टर देख रहे हैं सारे, ये सारे मॉडल हैं ये 48 वोल्ट में हैं, और ये मॉडल आप देख रहे हैं बिना बैटरी भी चलने वाले मॉडल है मेरे, लेकिन आपके बिना बैटरी वाले हों बैटरी वाले हों सब जगह बैटरी लग जाएगी, लेकिन ये जो मॉडल है ये बिना बैटरी चलने वाले भी मॉडल भी है, बिना बैटरी भी कम लोड चला सकते हैं अगर कम इंडक्टिव लोड है, और ज्यादा लोड है तो आप बैटरी भी इन पर लगा सकते हैं। तो इन सारे इन्वर्टर्स पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर है जो 6.5-7 किलोवाट का कंटिन्यू लोड चला देता है। ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है जो लगभग 4.5-5 किलोवाट तक का लोड चला देता है, लेकिन 4.5-4 किलोवाट का कंटिन्यू लोड चला सकते हैं। ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है जो 5.5-5 किलोवाट तक का लोड कंटिन्यू चला देता है। ये सारे इन्वर्टर पैरेलल हो जाते हैं, तो इन किसी भी इन्वर्टर पर आप लगा सकते हैं। जहां आपका 24 वोल्ट का 2 किलोवाट का इन्वर्टर है वहां ये बैटरी नहीं लगने वाली है, वहां के लिए दूसरी बैटरी होती है। चूंकि ये जो बैटरी है ये 48 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि 48 वोल्ट की ये बैटरी है, तो 48 वोल्ट के जो अप्लायंसेस है उन पे आप लगा सकते हैं। मतलब देसी भाषा का अगर हम प्रयोग करें तो 4 बैटरी के जो इन्वर्टर है, जो 4 बैटरी के इन्वर्टर है उन पे इसे आप लगा सकते हैं, पर उन इन्वर्टर में थोड़ा सा बोल्ट सेटिंग का ऑप्शन होना चाहिए जिससे लिथियम के हिसाब से उनकी बोल्ट हम सेटिंग कर सके अगर वो अदर किसी कंपनी की है। तो ये जो बैटरी है दोस्तों ये बहुत छोटे साइज में सबसे ज्यादा डिमांड में है आज की डेट में। आप लोग भी चाहते हैं यार कब बैटरी पे बार बार मेरा बदलने का खर्चा ना हो, बार बार पानी डालना पड़े, बार बार देखभाल ना करनी पड़े, हार्मफुल गैस ना निकले, क्योंकि लेटेस्ट बैटरी क्या होता है कि अगर वहाँ स्पार्क कर देते हैं तो वो बम की तरह फट जाती है चार्जिंग टाइम में। दूसरा बहुत सारी जगह भी गिरती है, आपका फर्श है, ऑफिस है, घर है, उसको गंदा भी करती है, उसके साथ साथ लंग्स के लिए हार्मफुल गैस निकालती है। तो यानी कि हमें घर में अलग रूम बनाना पड़ता है बैटरी इन्वर्टर के लिए, पर अब वो जरूरत नहीं है, ये छोटी सी बैटरी ले लेंगे। चाहे तो आप 6 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ लगा लें, 5 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ लगा लें, 8 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ, तो आपके काउंटर पर थोड़ी सी जगह लेगी, काउंटर के अंदर रख सकते हैं, ऊपर इन्वर्टर रख सकते हैं, और आपका एसी है, आपके कुछ और हैवी लोड्स हैं वो चला सकते हैं। तो अपने ऑफिस के लिए, घर के लिए एक अच्छी बैटरी लेना चाह रहे हैं तो ये अच्छी बैटरी होने वाली है दोस्तों। अब इसके रेट की बात कर लेते हैं। एक बार मैं आपको 5 से 6 को दिखा देता हूँ बैटरी को, और मेरे दर्शक होंगे उन्होंने देखी नहीं होगी, कुछ दर्शकों ने, तो एक बार 5 से देखें। ये बैटरी में ऑन ऑफ के लिए स्विच दिया है, और जैसे ही मैंने ऑन किया तो एसओसी लाइट जल गई। उसके बाद में आप देख रहे हैं कैन पोर्ट है, RS485 पोर्ट है, 2 सेट करने के लिए पॉइंट है। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हैं ये 48 वोल्ट में 100 Ah की बैटरी है, यानी 4800 वाट की ये बैटरी है। देवसोल की आप ब्रांडिंग देख रहे हैं, देवसोल एनर्जी प्रीमियम लिथियम बैटरी, ये नेक्सस सोलर एनर्जी का ब्रांड है, प्रीमियम जो प्रोडक्ट है देवसोल के नाम से आते हैं। इसमें आउटपुट के लिए आप ये देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और पकड़ने के लिए 2 हत्ते हैं। अब पीछे से बैटरी देख रहे हैं तो बहुत हल्की लाइट वेट बैटरी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है, 15 साल कंपनी इसकी वारंटी देती है। ना इसमें कभी आपको पानी डालना है, ना देखभाल करनी है, ना कभी इसमें आग लग सकती है दोस्तों। तो एक अच्छी बैटरी की आप तलाश कर रहे हैं जहां मेंटेनेंस ना हो, देखभाल ना हो, तो ये बैटरी स्पेशल होने वाली है। आप ये बैटरी परचेज कर सकते हैं दोस्तों, और अपने घर का लोड
चला सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस पे सर ये बैटरी होने वाली है। अब इसके साथ में आप चाहते हैं जी मुझे इन्वर्टर भी लेना है जो मेरे घर का लोड चला दे, और मेरे घर में नॉर्मल लोड है तो आप ये इन्वर्टर ले सकते हैं, 5 किलोवाट का देवसोल का इन्वर्टर है और ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसको पैरलर भी जोड़ सकते हैं। मतलब अभी एक इन्वर्टर है, कल को आपका लोड बढ़ा तो एक और 5 किलोवाट का लगा के 10 किलोवाट हो गया, एक और 5 किलोवाट का लगा के 15 किलोवाट होगा। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप चाह रहे हैं मुझे बिजली बेचनी भी है, हाइब्रिड इन्वर्टर की आप तलाश में है तो ये बिजली बेच भी देगा। तीसरा, आप चाह रहे हैं बिजली है नहीं है, जब भी मेरा सिस्टम चले, जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं बहुत सारे लोग लगा रहे हैं आजकल, सब्सिडी वाले सिस्टम चल रहे हैं ऑन ग्रिड, वो क्या है, वो बिजली के साथ काम करते हैं। बिजली गई, दिन का टाइम है, धूप निकल रही है, सोलर लगा हुआ है, लेकिन आपके यहाँ कोई लोड नहीं चलने वाला क्योंकि वो बिजली के साथ ही काम करते हैं। और ये जो सिस्टम है ये बिना बिजली भी काम करता है, आपका बिजली के साथ काम करने कहेंगे बिजली के साथ भी काम करता है, बिजली एक्स्ट्रा बन गई है बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा डिमांड वाला इन्वर्टर है आज की डेट में कम बजट में, उसके साथ में थोड़ा लोड ज्यादा है, कुछ बड़ा इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं तो 7.5 किलोवाट का, 8 किलोवाट, 2 मॉडल इस मॉडल में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और ये इन्वर्टर बहुत पावरफुल है, आपके 2 AC हैं, ज्यादा लोड है, और इवन अगर आपने 16 AC लगा रखे हैं तो 3 AC भी हैं, तो आप ये इन्वर्टर लगा सकते हैं और अपना घर का लोड चला सकते हैं। नॉर्मली जो आप देखते हैं जो बड़ी वाली बॉडी में जो पहले इन्वर्टर आते थे 10 किलोवाट के इन्वर्टर जितनी ताकत रखते थे उतनी ताकत ही छोटा सा इन्वर्टर रखता है। 8 GB लाइट के साथ है, नेक्सस की ब्रांडिंग है, MPPT मॉडल है और ये हाइब्रिड मॉडल भी है साथ के साथ में, इसमें भी पैरलर जोड़ सकते हैं 10 इन्वर्टर तक। उसके बाद में ये इन्वर्टर सबसे ज्यादा डिमांड वाला इन्वर्टर है, स्क्रीन टच इन्वर्टर। इसमें आपको कोई बटन दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस जैसे स्क्रीन टच मोबाइल पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसी प्रकार स्क्रीन टच ये मोबाइल इन्वर्टर है, ये भी आप ले सकते हैं, इसको भी पैरलर जोड़ सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा डिमांड वाला इन्वर्टर है। तो ये सारे इन्वर्टर डिमांड वाले हैं, आप कोई सा भी इन्वर्टर हाइब्रिड में ले सकते हैं, लिथियम बैटरी के साथ जा सकते हैं। आप लोग चाहते हैं लिथियम के साथ नहीं जाना तो लेड बैटरी के साथ भी ये इन्वर्टर चल जाते हैं और बिना बैटरी भी ये इन्वर्टर चल जाते हैं। अब इनके बारे में आप डिटेल में लेना चाह रहे होंगे जी क्या क्या इनकी कीमत है, तो कीमत के बारे में जानने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट है www.devsol.com पे भी जाके पूरे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, या www.nexussolarenergy.in पे जाएंगे तब भी ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो वहां जाके आप इनका पूरे डिटेल्स देख सकते हैं, स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, एक चीज़ चेक कर सकते हैं। परचेज करने से पहले हमें एक चीज़ चेक भी करनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चन होगा जी इनके बारे में और ज़्यादा हमें डिटेल चाहिए तो कैसे बात करें आपसे, तो मैं कंपनी के जो सेल्स मैनेजर हैं वो कंपनी के प्रतिनिधि हैं, टेक्निकल उन्हें नॉलेज होता है काफ़ी, बाकी वो कोई बात होती है तो हमारी टेक्निकल टीम से भी बात करा देते हैं, तो उनसे बात करके भी आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, एक एक चीज़ का अलग से रेट ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग चाह रहे हैं आपको सोलर के बिजनेस में आना है, नई नई टेक्नोलॉजी की बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर हैं, नई टेक्नोलॉजी के AC हैं, तो आप नेक्सस के साथ जुड़ सकते हैं, देवसोल की डीलरशिप ले सकते हैं। अभी कंपनी देवसोल की नई डीलरशिप दे रही है, आप अपने शहर में, अपने महानगर में, अपने कस्बे में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों दुनिया में जरूरत बिकती है और बिजली या इलेक्ट्रिसिटी हमारी ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना 1 घंटे भी आज की डेट में रहना भारी हो जाता है। तो ज़रूरत की चीज़ में आप लोग जोड़ सकते हैं और ज़रूरत का बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस हमारे लिए इकोनॉमिक रूप से तो फायदेमंद होगा ही होगा, उसके साथ साथ हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी अच्छा काम कर रहे होंगे, क्योंकि सोलर जो है ये ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है। और ये मान लीजिए अगर एक आदमी अपने घर पे 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लेता है, तो मान लीजिए जितने 10 पौधे लगा के एक प्रकृति के लिए हम अनुकूल माहौल कर देते हैं, उतना ही एक अपना सोलर सिस्टम लगा लेते हैं, तो जो पॉल्यूशन से जिससे हमारी बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको हम कम कर देते हैं। उसके साथ साथ पेड़ पौधे तो हमें लगाने ही चाहिए, ग्रीन की तरफ आना ही चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, आगे बरसात आ रही है, इस बरसात के सीजन में पेड़ भी जरूर लगाएं। और अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं, देश की टेक्नोलॉजी से प्रेम करते हैं, तो इस वीडियो को अभी के अभी शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और